अगर आप भी Realme 10 Pro Plus डिवाइस यूज करते हैं और आप भी अपने डिवाइस को हार्ड फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो के थ्रू स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस को मैं बताने वाला हूं कैसे आपको अपने Realme 10 Pro Plus 5G को हार्ड रीसेट करना है। वीडियो को आप कंप्लीट जरूर से अगर आप इस चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियोस अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते ही मिल जाए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स के लिंक प्रोवाइड करवाए गए हैं, उनको जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहां पे अगर आप Realme 10 Pro Plus 5G डिवाइस यूज करते हैं और उसको हार्ड फॉर्मेट करना चाहते हैं या फिर हार्ड रीसेट करना चाहते हैं तो यहां पे मैं बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर किस तरीके से आपको करना है। देखिए सबसे पहले तो आपको इस प्रोसीजर को फॉलो करने से पहले आपको अपने डिवाइस का जितना भी डेटा है किसी भी हार्ड डिस्क में जो है कॉपी कर लेना है, बिकॉज यहां पे आपका डेटा जो है पूरा यहां पे डिलीट होने वाला है। लाइक दैट चाहे कॉलिंग हो, चाहे आपका जो है कॉन्टैक्ट हो, चाहे कोई भी चीज हो, अगर आपका यहां पे जितना भी डेटा है वो सारा कुछ डिलीट होने वाला है तो आपको पूरा फोन का बैकअप, ऐप का सिस्टम ऐप का बैकअप ठीक है वो बना के रखना है। साथ ही पूरा जो डेटा है आपका फोटोज वीडियोज जितना भी है सारी कुछ आपको डेटा जो है कॉपी कर लेना है कहीं पे भी, देन उसके बाद ये प्रोसेस को करना है, अदरवाइज आपके साथ बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक है तो चलिए इसको फॉर्मेट करने के लिए हार्ड मैं बताता हूं क्या करना है। सबसे पहले आपको डिवाइस को अपने जो है स्विच ऑफ कर लेना है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी इसको स्विच ऑफ किया हुआ है। अब स्विच ऑफ करने के बाद आपको क्या करना है, पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन बटन को सेम टाइम में ऐसे प्रेस करना है। ठीक है मैं यहां पे सेम टाइम में प्रेस करता हूं। जैसे आप सेम टाइम में प्रेस करेंगे तो आपको Realme का लोगो जो है बन के चला जाएगा, नीचे आप जो है आप देख सकते हैं रिकवरी मोड पे जो है एंट्री हो जाएगी आपकी। ठीक है तो तब तक आपको बटन को यहां पे प्रेस करके रखना है जब तक कि आपके होम स्क्रीन पे यहां पे कुछ लैंग्वेज सिलेक्शन का ऑप्शन आ जाए। जैसे ही लैंग्वेज सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा तो आपको लैंग्वेज को यहां से सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे ही आप इस पर टैप करेंगे तो देन उसके बाद आपको करना क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब उसके बाद आपको करना क्या होगा, इस फॉर्मेट वाले ऑप्शन में टैप करना है। जैसे आप फॉर्मेट वाले ऑप्शन में टैप करेंगे तो यहाँ पे एक वेरिफिकेशन कोड मांगेगा आपको डालना है जो कि आपकी होम स्क्रीन पे दिया होगा। उसके बाद देन यहाँ पे आपको फॉर्मेट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप फॉर्मेट में क्लिक करेंगे तो ये डेटा आपका पूरी तरीके से यहाँ पे डेटा फॉर्मेटेड हो जाएगा। ठीक है अब इतना करने के बाद ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके पे टैप करेंगे तो आपका डिवाइस पूरी तरीके से यहाँ पे फॉर्मेट का प्रोसेस चालू हो जाएगा और आपका डेटा बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, मतलब आपके डिवाइस में जितना भी कुछ सारा डेटा था वो यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। इसीलिए आप अगर इसका बैकअप बना के रखते हैं तो आप बाद में डेटा को फिर से रीलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पे वापस से जो है Realme का लोगो जो है बन के आ गया है, हमारा डिवाइस पूरी तरीके से जो है टर्न ऑन हो रहा है। तो आप इस तरीके से आप अगर आप भी अपने डिवाइस में Realme 10 Pro Plus अगर आप डिवाइस यूज करते हैं और आप भी अपने डिवाइस को यहाँ पे हार्ड फॉर्मेट का प्रोसेस करना चाहते हैं, मतलब कोई भी रीजन हो सकता है आपका पर्सनली ठीक है, तो यहाँ पे आप इजिली जो है इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं एंड सारा डेटा जो है यहाँ पे डिलीट हो सकता है आपका पूरा यहाँ पे जो है फॉर्मेट करने पे। ठीक है तो होपली इस वीडियो के थ्रू आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी है। अब यहाँ पे इस प्रोसेस का होने के बाद लगभग मैक्सिमम 5 से लेकर 10 मिनट का टाइम जो है आपका जाने वाला है। ठीक है तो 5 से 10 मिनट तक का वेट करना है टाइम का। ठीक है ये Realme का लोगो रहेगा, पूरा डेटा आपका फॉर्मेट होता रहेगा, 5 से 10 मिनट तक का आपको वेट कर लेना है। जैसे ही 10 मिनट कंप्लीट होंगे वैसे ही आपका डिवाइस टर्न ऑन हो जाएगा, वहां पे आपको जो है ऑप्शन जो है चूज करने को बोलेगा, तो आपको जो है स्टेप बाय स्टेप अपना लैंग्वेज का ऑप्शन जो है चूज कर लेना है। ठीक है देन उसके बाद जो है आपका पूरा प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों होपली इस वीडियो के थ्रू आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड हो गई होगी। फाइनली आप देख सकते हैं हमारा डिवाइस जो है पूरी तरीके से टर्न ऑन हो गया। अब यहाँ पे लैंग्वेज जो है चूज करने का ऑप्शन आ चुका है। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस कंप्लीट करके अपने डेटा को जो है यहाँ पे हार्ड रीसेट कर सकते हैं। तो दोस्तों होपली आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू सो मच।